हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये मेरा सेकेंड व्लॉग है। एक्चुअली ये व्लॉग मैंने रात में स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ यहाँ पर है ना ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। सो मैंने रिकॉर्डिंग करने को जब चालू किया तो ट्रेन जा चुकी थी। सो बहुत ज़्यादा रात हो गई है। देन सुबह हो गई थी, मैं रात में बहुत लेट सोई थी तो मैंने बहुत लेट उठी सुबह। देन मैंने चाय बनाया, या एक खुद के लिए और एक फैमिली के लिए। मैं थोड़ी मिक्स वाटर एंड मिल्क मिक्स पीती हूँ चाय थोड़ी, वरना मुझे एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मेरे लिए अलग से चाय। एंड देन हमारे लिए यहाँ सुक्का बोम भी लाया था घर में। सो मेरी मदर इन लॉ अम्मी वो साफ़ कर रहे थे उसको, क्योंकि मुझे साफ़ करने नहीं आता। सो वो साफ़ कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि कैसे साफ़ करते हैं। एंड देन हम उसको स्टोर करके रख रहे थे कि बाद में हम बना के खाएंगे उसकी चटनी। और फिर फिश भी आए थे हमारे घर में, सो वो सब कट करके रखा हुआ था। सो अभी इसको फ्रीज़र में हमें रखना था, पैकेट्स बना बना के। सो आफ्टर दैट, नाश्ता करने के बाद मैं बैक टू वर्क। मैंने फिर लॉग इन कर लिया एंड देन काम स्टार्ट हो गया हमारा। आज ट्रेनिंग था, न्यू प्रोसेस। और देन मैंने आफ्टरनून में थोड़ा ब्रेक लिया था, मुझे बहुत भूख लग रही थी। सो मैंने खुद के लिए फ्रूट कट किया था और कोकुम्बर, बिकॉज मैं थोड़ा लाइट ही खा रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए। देन मैंने सोचा वाई नॉट मेक ढोकला, आई थिंक ढोकला। सो मैं अपनी बड़ी सिस्टर को पूछ के बना रही थी कि कैसे बनाते हैं। सो यहाँ मैंने पहले हाफ कप ऑफ दही लिया, उसमें हाफ पानी डाला। सो वो 1 कप ऑफ दही हो गई। उसको अच्छे से उन्होंने बोला ऐसे घोल लो कि लम्स ना रहे। एंड देन मैं सेम कप में बेसन ले लो, सेम अमाउंट ऑफ बेसन। एंड देन थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड देन थोड़ी सी हल्दी। सो मैं वही प्रिपेयर कर रही थी कि वाई नॉट मेक ढोकला, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। सो मैं बहुत प्रे कर रही थी कि प्लीज़ बन जाना बन जाना। देन मैंने उसे मिक्स किया है। आप लोग भी ये ट्राई करना और बताना कि कैसा बना है। फिर जो मैंने मिक्स किया था दही को पानी में, वो फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐड अप करके हमें मिक्स करना था, वरना लम्स बन जाएगा। सो थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करी थी, और एक हाथ से शूट करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल, बर्तन घूम रहे थे। सो मैंने फिर उसको मिक्स किया थोड़ा थोड़ा डाल के, एंड थोड़ा सा ऐसे कंसिस्टेंसी बनाई थी, थोड़ी लिक्विडी, थोड़ी थिक। ये फर्स्ट टाइम बनाया है, और अगर इसमें कुछ भी गलत हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि इसको मैं और करेक्ट कैसे कर सकती हूँ। सो मैंने ये बना के लाइक 2 आवर्स के लिए मैंने रख दिया था असाइड, क्योंकि फिर मुझे काम था। सो मैंने बीच में ब्रेक लेके बना लिया था। आफ्टर दैट मैंने एक प्लेट ली, जिसमें हम वो बैटर पुट करके हम उसको पानी के ऊपर रख सकते हैं। सो वैसा कुछ एक वेसल है हमारे पास। सो उसके ऊपर मैंने ऑयल करके वो बैटर में मैंने पहले इनो डाला था, हाँ, और इसे गर्म पे भी रख दिया था कि अच्छे से बॉईल हो जाए, उसके बाद ही हमें बैटर डालना है उसमें। सो यहाँ पे मैंने इनो डाला, एंड वो पूरा इनो उसमें बबल क्रिएट कर दिया था। सो फटाफट हमें ये प्रेस करना था। सो मैंने फटाफट मिक्स किया, एंड देन वो पूरा बबली हो गया था। सो मैंने उसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया, एंड मैं अभी भी प्रे कर रही थी कि अच्छा बन जाना चाहिए। अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और जैसे ही मैंने उठाया वो गिर गया मुझसे। सो एक हाथ से शूट करना,
देन मैंने उसे डाला एंड देन हाफ एन आवर रुकने के बाद फिर हमें उसे ऑफ़ करना था हाफ एन आवर के बाद. मैंने उसे ऑफ़ किया हाफ एन आवर के बाद. शाम हो गई थी. सेकेंड ब्रेक लेने के बाद मैंने इसे देखा कि ये पूरा मतलब लाइक कुक हो गया है. मैंने 10-20 मिनट्स बाहर रखा एंड देन हम इडली की तरह कैसे निकालते हैं उसे निकाल के कट करके तड़का डाला एंड देन ग्रीन चटनी बनाई थी. बैकअप के लिए मैंने भजिया भी बना लिया. सो अगर जिसको पसंद ना आए घर में शायद तो मैं भजिया खिला दूँगी. सो वो भी मुझसे जल जा रहे थे. एंड देन शाम की चाय. चाय इज़ मस्ट एवरी टाइम. सो गरम गरम भजिया बन रहे थे एंड देन सब कुछ रेडी हो गया था. थोड़ा ऑयली हो गया था. चटनी तो बहुत अच्छी बनी थी. उसकी रेसिपी मैं बाद में बता दूँगी. आज का दिन ख़त्म हो चुका है. ये मेरी मम ने मुझे दिया था तो मैं वो खा रही थी. और फाइनली रात हो गई है. हमने डिनर कर लिया है और मेरे यहाँ से तारे नहीं दिखते और ना मून. कभी कभी दिख जाता है. सो आप लोग बताना कि मेरा रेसिपी कैसे पसंद आया. और अगर मैंने कुछ गलती किया है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में उसको सही कैसे कर सकती हूँ. तब तक बाय बाय.